भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश की इस जीत के साथ भारत के लगातार जीत का सिलसिला भी थम गया है। आपको बता दें, T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की यह पहली जीत है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कहीं न कहीं बांग्लादेश को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दूसरे T20 में जीत हासिल करे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 नवंबर को राजकोट में खेले जाने वाले दूसरे T20 में कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव होंगे। माना जा रहा है कि रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन अंतिम 11 में खेलेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले T20 में हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होगी। धोनी पहले भी T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन चुके हैं। यही वजह है कि धोनी की वापसी की मांग तेज हो गई है। कप्तान रोहित शर्मा ने भी टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं। साथ ही हिटमैन रोहित ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दिया है कि बाकी बचे मैचों में भारत जबरदस्त वापसी करेगा। दरअसल भारत के हार की सबसे बड़ी वजह रही बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन। भारतीय बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया। खासतौर पर लोकेश राहुल को बार बार मौका देना समझ से परे है। जब भी टीम को राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद होती है, सस्ते में आउट हो जाते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में लगातार लचर प्रदर्शन कर रहे ऋषभ पंत पर टीम चयनकर्ताओं को विचार करना होगा। खैर, भारत के लिए एक बुरा दिन था। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे T20 में रोहित शतक जरूर लगाएंगे। रोहित जिस शैली के बल्लेबाज हैं, अगर चल गए तो निश्चित तौर पर अकेले ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकते हैं।